Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 5 of the subject English first of class 8. It's a poem which is written by Walter de la Mare. Its name is Silver. It is a poem about moonlight. इस पोएम में जो राइटर हैं वॉल्टर डी ला मेयर, उन्होंने एक ऐसी रात को डिस्क्राइब किया है जिस समय मून जो है वो उसका आसमान में चमकता है और उसकी रोशनी से अर्थ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी सिल्वर की जैसे चमकती हैं. सो नाउ लेट्स रीड द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. स्लोली साइलेंटली नाउ द मून walks the night in her silver shoon. Here shoon means shoes. It is the first stanza. इसमें poet ने बताया है कि रात में धीरे धीरे दबे पाँव में और silver color के जूतों में चाँद जो है वो आसमान में आता है. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने मून को एक लेडी के रूप में डिस्क्राइब किया है, ना कि मेन के रूप में. हमने बहुत सारी पोएम पढ़ी हुई होंगी मून के बारे में जिसमें कहीं कहीं पे मून को मेन के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है और कहीं कहीं पे वुमेन. तो यहाँ पे मून को वुमेन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है. तो रात के समय में मून जो है वो सिल्वर शूज़ में धीरे धीरे आसमान में आती है. दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज सिल्वर फ्रूट्स अपॉन सिल्वर ट्रीज. और जब वो आती है तो इधर उधर हमें देखने में ऐसा लगता है कि जो मून है वो इधर उधर घूम रही है. ऐसा इसलिए होता है क्यों वो एक्चुअली में वो तो एक ही जगह पे होता है, मतलब मूव करता है, लेकिन हमें इधर उधर होती दिखती है क्योंकि वो बादलों की वजह से होता है. और उसके बाद उसकी जो किरणें होती हैं, उसकी जो प्रकाश होती है, वो नीचे जब पेड़ों के फलों पे गिरती है तो फल जो है वो भी सिल्वर की तरह चमकते हैं. वन बाई वन द कैसमेंट्स कैच हर बीम्स बिनेथ द सिल्वर थैच. और फिर एक एक करके वहाँ यहाँ कैसमेंट्स का मतलब है विंडो. तो जब मून की जो चमकीली रोशनी होती है सिल्वर कलर की, वो जब खिड़कियों पे पड़ती है तो खिड़कियाँ भी सिल्वर की तरह चमकने लगती हैं. और ना सिर्फ खिड़कियाँ बल्कि जो घरों के छत जो होते हैं वो भी सिल्वर की तरह चमकते हैं. और वो छत ज़्यादा चमकती हैं जो कि थैचेस का मतलब होता है, थैच का मतलब रूफ होता है, और वो रूफ ज़्यादा चमकती है जिन पे बर्फ़ जमी होती है. काउच्ड इन हिज कैनल लाइक अ डॉग विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप द डॉग. और जब रात में कुत्ता अपने कैनल में, कुत्ते के घर को कैनल बोलते हैं, तो जब वो अपने कैनल में सो जाता है तो उसके पॉज यानी जब पंजे उसके बाहर रहते हैं और उस पर चाँद की रोशनी पड़ती है तो वो भी चांदी जैसे चमकता है. फ्रॉम देयर शेडोई कोट द वाइट ब्रेस्ट पीप ऑफ डव्स इन अ सिल्वर फेदर स्लीप. और उसी रात में उसी मून की रोशनी में जब उस जो शैडो में घोंसले बने रहते हैं और उस घोंसले में है कौन, उसमें डव है. डव यानी फाख्ता जो कि एक बर्ड है. उस घोंसले में वो जो बर्ड सो रही है उसके चेस्ट के जो फेदर्स हैं वो भी सिल्वर जैसे चमक रहे हैं, चांदी जैसे. अ हार्वेस्ट माउस गोस स्क्रैम्परिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई. उस रात में जो हार्वेस्टिंग माउस होते हैं जो कि खेतों में पाए जाते हैं और ये साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, तो ये जो कि फुदक फुदक करके जल्दी जल्दी से चलते हैं अपने छोटे छोटे कदमों से, उनकी आंखें जो हैं वो भी चांदी जैसे चमक रहे हैं. रात में हमें पूरा रैट तो हम शायद साफ साफ ना देख पाएँ, लेकिन उसकी आँखें जो हैं वो ज़रूर चांदी की तरह चमक रही हैं उस मून लाइट में. एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम. और इसी तरीके से
चांदी जैसे धार में, यानी कि जो झील में जो उसकी धाराएं होती हैं उसके बीच में एक मछली जो कि मूवलेस है, यानी कि वो वहाँ पे स्थिर है, वो चल नहीं रही है, शायद रात के समय वो सो रही है, वो भी उस चमकीली हुई धाराओं में वो भी चांदी के जैसे चमक रही है. सो दिस वॉज द स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग पोएम. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. टेक द करेक्ट आंसर. नंबर वन, द पोएम इज अबाउट, इट इज़ अबाउट मून. नेक्स्ट, हु इज काउच्ड इन अ कैनल. सो द आंसर इज डॉग. नेक्स्ट, ईच एवरीथिंग लुक्स लाइक, एवरीथिंग लुक्स लाइक सिल्वर. नेक्स्ट, दिस वे दैट वे शी पियर्स, वॉट इज शी रिफर टू, शी इज रिफर्ड फॉर मून. What is the harvest mouse doing? It is scrambling. Now complete the story with the help of the words given in the box. Here the words are given in the box. With the help of these words, we have to complete this story. Number one, this is a beautiful and dash poem by the poet in which he describes a dash night. First one is interesting and second is moonlight. The poet is dash. Here it was by mistake printed A. Cut this A. Write A here before picture. With wonderful words. So here should be painting a picture with wonderful words. It shows how the dash of the dash hangs the color it dash upon. Here will be light, moon and shines. The light of the moon makes dash everything. Answer is silver. So that's all for today. Wait, your homework for today is that write all the rhyming words of these words. It is your homework. You have to do it by yourself. So that's all for today. Thank you so much.